यूं तो स्त्री को पशुवत बनाए रखने और गुलामी की बेड़ियां पहनाने के लिए वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, धर्मसूत्रों, पुराणों, रामायण, महाभारत आदि कई पुस्तकों ने अपने अनगिनत पन्नों को रंग दिया है। अनेकों अमानवीय, दुर्दांत, घृणित रीति रिवाजों, नियमों से कई टन स्याही खत्म कर दी है। कुछ ऐसी दर्दनाक प्रथाएं थी जो कि बंद करवा दी, पर हमारे क्रूर धार्मिक प्रथाओं के चलते, बैन होने के बावजूद उनके द्वारा संरक्षण देने के कारण आज भी चल रही हैं। जैसे पशु बलि प्रथा को अभी भी धार्मिक संरक्षण प्राप्त है। अपनी खुशी के लिए एक बेजुबान जानवर की हत्या ही बलि प्रथा या कुर्बानी प्रथा है। बाल विवाह से भी क्रूर और घृणित प्रथा है देवदासी, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। ये कब से शुरू हुई, किसके दिमाग की कुत्सित उपज थी जिसने अपनी शारीरिक हवस को मिटाने के लिए यह कुप्रथा गढ़ दी और इसे बखूबी से सामाजिक, धार्मिक और राजनयिक चोला भी पहना दिया और मान्यता भी दिलवा दी। कहां कहां इसके प्रमाण मिलते हैं, किसने इसको बंद करवाया, इसके लिए रोकथाम के कानून बनाए, कब बनाए और रोक होने के बावजूद भी अब तक बंद क्यों नहीं हुआ है ये? कहां और कितनी देवदासियां अभी भी हैं, आज उनके क्या हालात हैं? सभी विस्तार से जानेंगे, अंत तक बने रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी इस बहन का मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। यूं तो हर धर्म, हर रिलीजन के धार्मिक ठेकेदारों का औरतों के प्रति एक जैसा ही दिमाग काम करता है। कहीं औरतों को डाइन कहकर मार डाला जाता है तो कहीं पति के साथ जला देना रिवाज है। अरे सब औरतों के लिए ही क्यों? देवदासियों के बारे में उल्लेख करने से पहले एन दत्ता और साहिल लुधियानवी की लिखी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती इज्जतदारों में। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए हर चीज का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता, औरत संसार की किस्मत है फिर भी तकदीर की बेटी है, अवतार पयंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पर लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। pingthread.com के हवाले से ये पूरा आर्टिकल है। प्रथा कब से प्रारंभ हुई इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त नहीं होता, लेकिन सर्वप्रथम इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। पद्म पुराण में कुमारियों को दान रूप में देने की बात कही गई थी जो कन्याएं रजस्वला नहीं हुई हैं। इन्हें अखंड सौभाग्यवती व नित्य सुमंगली भी कहा गया है। मत्स्य पुराण के चैप्टर नंबर 70 में कृष्णा ने अपनी ही पत्नियों को अभिशाप दिया और वेश्यावृत्ति अपनाने को कहा, क्योंकि वो पिछले जन्म में हुत्सान की कन्याएं थीं, जिन्हें नारद ने श्राप दिया था। इंद्र द्वारा असुर कन्याओं को वेश्या बनाने को बोला। ब्राह्मणों को हर इतवार फ्री सेवा देने का जिक्र भी मिलता है। महाकाव्यों में आए विभिन्न प्रसंगों से पता चलता है कि इसका प्रारंभ छठी शताब्दी से हो गया था, जो कि नवी दसवीं शताब्दी तक आते आते भारत के विभिन्न भागों में अपनी जड़ें गहरी जमा चुका था। विदेशी यात्री हुएन सांग ने 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा के दौरान मुल्तान के सूर्य मंदिर में देवदासियों का नृत्य देखा था। अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी में लिखा कि देवदासियां बाहर के लोगों से दैहिक संबंध बनाने के बदले धन लेती थी। अरब यात्री अबू जहद अल हसन, जो कि 867 ईस्वी में भारत आया था, उसने लिखा कि देवदासियां जो कुछ कमाती थी वे मंदिर की व्यवस्था और रख रखाव के लिए पुजारियों द्वारा खर्च कर दिया जाता था। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक यह प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। चोल राजा के बनवाए गए तंजौर के मंदिर में 400 देवदासियां थीं। इनके नाम मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं।
इस प्रथा को धर्माश्रय और राजाश्रय दोनों मिला था। इनको नृत्य शिक्षा देने के लिए गुरुओं की नियुक्ति भी की गई थी। देवदासियों को और नृत्य शिक्षकों को परिश्रामिक में धान चावल दिए जाने का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। उपरोक्त विवरण डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल के आर्टिकल से है। फ्रांकोइस बर्नियर के एक आर्टिकल में जगन्नाथ मंदिर में ब्राह्मण पुजारी देवदासियों के साथ सोते थे भगवान के साथ शादी होने के बाद। एक यात्री जीन पेप्टाइस ट्रेनवियर के अनुसार 11 से 12 वर्ष की देवदासियां मंदिर में अर्पित की जाती थी। नारद स्मृति में भी इसका जिक्र मिलता है, अध्याय 12 के 78वें श्लोक में, अपने से नीचे वर्ण की महिलाओं दासी के साथ आप समागम कर सकते थे परंतु अपने से उच्च वर्ण की महिलाओं के साथ नहीं। और भी कई ग्रंथों में दासी का, वेश्या का, कन्या की खरीद फरोख्त का विवरण है जो साफ साफ यौनाचार को प्रमाणित करता है। कालिदास के मेघदूतम में भी देवदासी का जिक्र मिलता है। अंजलि सिन्हा, जो कि स्त्री अधिकार संगठन की लेखिका हैं, वे लिखती हैं कि देवदासी प्रथा धर्म क्षेत्र की वेश्यावृत्ति है। हालांकि इससे संगीत और क्लासिकल डांस, जो आज राज्यों की पहचान है, उसका विस्तार हुआ। अनिल चावला एक लेखक के अनुसार, इनसे संगीत और नृत्य कला सुरक्षित रही है। सादिर नृत्य, इसका नवीनीकरण विलासिनी नाट्यम और फिर भरतनाट्यम है। भारत के विभिन्न भागों में देवदासियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा में महारी अर्थात महान नारी, जो अपने लौकिक वासनाओं पर नियंत्रण रख सकती है, इनसे ओडिसी नृत्य कला फली फूली। ओडिसी नृत्य गुरु जो स्वयं महारी परिवार से संबंधित है, उनका कहना है कि महारी महारिपु जो 5 महान शत्रुओं पर विजय पा चुका हो। कर्नाटक में इन्हें येलम्मा के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुरली कहलाती हैं। प्रथा के अनुसार दक्षिण भारत के संबंध में 1914 में लिखते हुए एक लेखक का कहना है कि हिंदू लोग देवदासियों को देवता की पत्नी मानते हैं। इसे इतना सम्मानजनक समझा जाता था कि तृष्णापल्ली में सुनार और बुनकर जाति के लोग अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की को श्री रंगम मंदिर की सेवा के लिए समर्पित कर देते थे। वहां उन्हें पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना और बड़ी सुंदरता से स्वयं को सजाना संवारना सिखाया जाता था। 13 वर्ष की आयु में भगवान सुब्रमण्यम के साथ विवाह की रस्म की जाती थी। भगवान पत्थर, मिट्टी या मूर्ति के रूप में होते हैं। इस समारोह के बाद वे मंदिर में आने वाले समर्पित भक्तों के साथ अपना पेशा करने को तैयार हो जाती हैं, जिसकी आय मंदिर के खजाने में जाती है। देवदासी प्रथा 2 साम्राज्यों में खूब फली फूली, विजयनगर साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य। विजयनगर में 1336 ईस्वी से 1565 ईस्वी में संभवतः महान माधवाचार्य, जो कि इसके संस्थापक थे, और उनके भाई सायनाचार्य महानतम मंत्री थे, वह विजयनगर के बर्बर और विलासतापूर्ण जीवन के अपने दिन थे। इन 250 वर्षों के शासनकाल में शांति सुरक्षा के एक भी पल के बिना खूनी युद्धों का इतिहास रहा है। यह षड्यंत्रों और जवाबी षड्यंत्रों, सुरा और सुंदरी को भोगने और गुलामी व बेगारी करवाने आदि का इतिहास रहा है। आज इसका क्या स्वरूप है, इसे दैनिक भास्कर की एक मनीषा भल्ला नामक रिपोर्टर ने बहुत ही बेहतरीन रूप से इसकी वास्तविकता लोगों के सामने रखी है। बेंगलोर से 400 किलोमीटर दूर एक गांव उकरकेरी, जो कि देवदासियों का ही गांव कहा जाता है, वो सरकार के सारे दावों को झुटलाती है। हर उम्र की अनेकों देवदासियां आंखों में बेबसी, दर्द, आंसू और सूनापन लिए दुर्दशा दर्शा रही थी। अनेकों की दर्द भरी दास्तानें हैं, जैसे लक्ष्मी की बेटी जया की, जिसे अपने पिता का नाम भी नहीं पता, अत्यंत गरीबी में एक पैर पसारने भर की झोपड़ी में जीवन बिताने को मजबूर है। हरे रंग की साड़ी में बैठी 50 वर्षीय उलेमा, 6 बहनों में से 2 बहनों को देवदासी बना दिया गया था पुत्र के लोभ में। गरीबी के कारण, भय के कारण, रसूखदारों और पुरोहितों की साजिशों के कारण, जो भी कारण हो, पिस्ती तो नारी ही है। पूरे घर को संकट से बचाने का बोझ उसी के कंधों पे है पूरा। बताती है कि ऊंची जात के मर्द हमारे साथ जब तक चाहे संबंध बनाते हैं,
कभी उनसे उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, उसकी जरूरत नहीं समझी जाती, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो छोड़ देते हैं। उस समय उनको भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। इस धरती का सबसे बड़ा श्राप देवदासी होना है, ये उनके शब्द थे। 65 साल की पार्वती, 10 साल की उम्र में ही मुझे देवदासी बना दिया गया। मेरे पुरोहित से मुझे 2 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने के बाद बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दोनों बेटियों की किसी तरह मैंने शादी की। अब इस घर में अकेली हूँ। पुरोहित ने कभी किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की, वह मेरी ही कमाई से ऐश करके चला जाता था। गुजारे के लिए सब्जी बेचा करती थी या मजदूरी करती थी। डॉक्टर मुथु लक्ष्मी, जिनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोली तमिलनाडु में हुआ, भारत की पहली हाउस सर्जन, भारत की पहली महिला विधायक और मद्रास विधानसभा परिषद की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी। इन्होंने महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण पर बहुत कार्य किया और उन्होंने वेश्यालय बंद करने और महिलाओं व बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कट्टरपंथियों के घनघोर विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें कई पढ़े लिखे भी थे। मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और 1947 में ये कानून बन गया। हम अतीत को तो बदल नहीं सकते, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद, इतने सुधारक आंदोलनों के बावजूद, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार दिलाने व जागरूक करने के बावजूद, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों के बावजूद, आज भी देश में देवदासियां क्यों हैं? ये प्रथा क्यों अभी तक चल रही है? इन्हें धार्मिक स्वीकृति क्यों प्राप्त है? आखिर कब तक उन्हें मजबूरी वश जीवन यापन करने के लिए वेश्यावृत्ति के पेशे के रूप में इसे अपनाना पड़ेगा? इस रात की सुबह कब होगी? एक टीनेज लड़की अपने घर से भागकर पुलिस प्रोटेक्शन में पहुंची। उसने बताया कि उसके घर वाले उसे जबरदस्ती इस दलदल में भेज रहे हैं। 2015 में एक एनजीओ संपर्क ने अपनी रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को दी। उसमें देवदासियों की संख्या 4.5 लाख बताई, जो कि अधिकतर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। 92% महिलाएं इसमें माइनर होती हैं, यानी 18 वर्ष से कम, और 74% महिलाओं का पहला समागम 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाता है। 2018 के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्टडी के हिसाब से इनमें से अधिकतर देवदासियां सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट से आती हैं, यानी कि शूद्र जाति की बच्चियां। वही बच्चियां धर्मशास्त्रों के हिसाब से आसानी से उपलब्ध हैं। इसके बंद न हो पाने का एक तो सॉलिड कारण इसको धर्म के साथ जोड़ना है, इसको डर और लालच दिखाना है। दूसरा ये कि इसके लिए कोई विशेष कानून का प्रावधान नहीं है। 2012 में पॉक्सो एक्ट बना, जिसमें अपरोक्ष रूप से इस पर कार्रवाई हो सकती है अगर देवदासी माइनर हो। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, जिसमें भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बच्चों के खिलाफ यौन शोषण में कार्रवाई हो सकती है। 2018 का ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, जिसमें व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम, उनका संरक्षण और पुनर्वास विधेयक बना। इन सब में देवदासी को चिन्हित नहीं किया गया। सर्वे के अनुसार जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर होती है, वही इनका ज्यादातर शिकार बनती है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा भी क्या धर्म, ऐसे भी क्या भगवान जो आज तक यौनाचार की रक्षा करता चला आ रहा हो, उसे बच्चियों का दुख, दर्द, चीखे, रोना सुनाई नहीं देता हो, दिखाई नहीं देता हो। ऐसी भी क्या शादियां जिसमें निम्न जाति की बच्चियां ही शामिल हो? क्या इन्हें निम्न जाति की बच्चियां ही मिलती है शादी करने को? भगवान में हिम्मत है तो किसी राजनेता, किसी कथावाचक, किसी बिजनेसमैन, किसी रसूखदार की बच्चियों से शादी करके देखो। निर्लज हो तुम लोग। सरकार का भी इस पर उदासीन रवैया रहा है अब तक। वोट का जो सवाल है, कभी किसी के जेहन में ये बात आई कि इन रिश्तों की उपज उन बच्चों का क्या होता होगा, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, कैसा नर्क जैसा जीवन बिताते होंगे वो बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के? इन बच्चों को एक व्यक्ति नरसी भक्त ने हरिजन नाम दिया। भगवान यानी हरि से शादी होने के बाद धरती के भगवान कहे जाने वाले
कामुक ब्राह्मणों द्वारा चने गए यानी हरिजन। यह विवरण एडवोकेट एलएल सागर की बुक जो कि 1991 में प्रकाशित थी हरिजन कौन और कैसे में मिलता है। जबकि इससे शताब्दियों पहले तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हरिजन शब्द का प्रयोग प्रभु विष्णु हरि के भक्तों के लिए किया जाता था। और फिर स्वतंत्रता पूर्व शूद्रों में से अछूतों को अलग करने की साजिश के तहत अस्पृश्यों को हरिजन नाम दिया गया ताकि ये सभी हिंदू बने रहें और बहुसंख्यकों की संख्या बहुसंख्यक बनी रहे। संविधान निर्माण के समय इस हरिजन शब्द पर खूब बहस हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें डिप्रेस क्लास यानी कि दलित ही नाम चिन्हित करने देना चाहते थे, लेकिन उनकी एक न चली और हरिजन शब्द दलितों के लिए प्रयोग में होने लगा, जिसे बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। परंतु आज भी लोग अपमान करने के लिए गाहे बगाहे हरिजन शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, जो कि अनुचित है। यदि उनसे कहा जाए कि हमें हरिजन मत कहो, कहते हैं अरे तुम्हें क्या हो गया है, हरिजन शब्द कितना अच्छा है, तुम्हें भगवान का जन कहा जा रहा है, अब तक तो तुम्हें भगवान का जन भी नहीं माना जाता था। जब उनसे कहो कि अगर हरिजन शब्द अच्छा है तो अपने लिए क्यों नहीं रख लेते, और तुम तो हरि के नाम पर पलने वाले पुराने हरिजन हो, तुम्हें हरिजन क्यों ना कहा जाए, इस पर वे नाक भू सिकोड़ने लगते हैं। सबकी उत्पत्ति में माँ और पिता दोनों की भूमिका समान होती है। उम्मीद करती हूँ देवदासी प्रथा की सारी जानकारी अब तक पहुंच चुकी होगी। कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, स्वागत है आपका। ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सबको थैंक यू, अपना ध्यान रखना।